जी सर, आवाम जो है वो मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनका एक ही कंसर्न है कि सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर हो, तो आपको क्या चांसेस लगते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह महंगाई का होगा बंदोबस्त, जो नया पाकिस्तान सी ना, आवाम इंशाल्लाह दोबारा पुराने पाकिस्तान च आ रही है। नया पाकिस्तान का एकदम जितना ज्यादा खर्चा हुआ था ना, तो पुराने पाकिस्तान में आएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पुराने पाकिस्तान में बैठे हैं पिछले एक साल से, टाइम लगेगा ना, अगर 4 साल लगे हैं नए पाकिस्तान में तो फिर वापस आने तो भी उन्हें टाइम लगेगा। मिर्ज़ा महंगाई का तो कुछ बताएं कब कम होगी? इंशाल्लाह महंगाई बहुत जल्द कम होगी। नहीं मगर जल्द कब? ये बजट पेश होगा ना, अच्छा मियां शहबाज शरीफ साहब करेंगे, इसमें महंगाई कम होगी। तो खुशी की खबर है? बिल्कुल खुशी की खबर है। आपको कोई अंदर की खबर पता चली है कि खुशी की खबर आ रही है? आवाम को हमेशा रिलीफ दिया है तो अभी भी रिलीफ देंगे। आपने देखा है अभी तो रेलवे चाइना ने नया मुआवजा कर रहे हैं ग्वादर से, रेलवे लेने का ट्रेन का। नहीं नहीं बात सुने, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के तकरीबन उन्होंने 7 साल हुकूमत की है, आप मोटरवे निकाल दें, जितने उन्होंने बिजली के कारखाने निकाल दें, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, अगर ये साइड पे कर दें तो आपको क्या पाकिस्तान में तरक्की नजर आएगी? कुछ भी तरक्की हुई मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। आपकी ट्रेनें मेरे दोस्त, मेरी बात सुने भाई जान, बात सुने, पहले मेरे दोस्त आए, उन्होंने देखा कि लाहौर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा है ऑरेंज ट्रेन, यार असी पाकिस्तान च पेरिस चीज है। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ये सीख रहे थे ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी 3 बार हुकूमत की है, मियां नवाज शरीफ साहब अन करीब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। मियां साहब ने पूछा तुम वापस नहीं आ रहे, कहते नहीं मैं इंग्लैंड में भी पेरिस बनाना है। मगर मियां साहब मान लिया कि ये पेरिस है और आपके दोस्त बाहर से आए और उनको पेरिस लगा और ये जहां बैठे हैं शांज़ेलीज़े है, मगर जो हमारी शांज़ेलीज़े आपस में लड़ रही है महंगाई की वजह से, उनका भी तो कुछ सोचे। आप तो महंगाई का नहीं, महंगाई का देखे ना, ये जो पंजाब में, पंजाब में तो अभी हमारी हुकूमत ही नहीं देखा है, रमजान में शहबाज शरीफ साहब ने आटा फ्री दिया आवाम को, किन्नू दी रिलीफ दिया, तो शुमार लोगों ने मिला ना, पेट्रोल और बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमत कम होगी इंशाल्लाह, पेट्रोल की कीमत इसी बजट में कम होगी। वापस आए थे और वो यही दावा लेकर आए थे कि मैं चीजें सस्ती करूंगा, महंगाई कम करूंगा, डॉलर कम होगा, लेकिन सेम सिचुएशन। बात यह है कि जो मुल्क का हाल हुआ था, अनट्रेन लोगों ने किया था, इतनी जल्दी तो ठीक नहीं ना होता। मेरा मैडम जरका से ये सवाल है कि और नून लीग से हालात ठीक नहीं हो पा रहे, तो पीटीआई के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है कि वो इलेक्शन जीत के हालात ठीक कर देगी? जिस तरह पीटीआई ने पहले किए थे 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी, उसके बाद आपने देखा कि कोविड आया था तो दुनिया कोविड के आगे खत्म हो गई। पाकिस्तान टॉप 3 मुल्कों में था जिसने कोविड से इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी आवाम को भी बचाया, आवाम की सोशल वेलफेयर भी की, गरीबों को पैसे भी मिले, हेल्थ कार्ड भी स्टार्ट किया, और जिस तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को उठाया पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उठाया, आप देखें अवाम में खुशहाली आई, आईटी का सेक्टर उठाना शुरू किया, एजुकेशन में चेंजेस लाए, एक निसाब इंट्रोड्यूस कराया, बिलियन ट्री सुनामी जिसको के 10 बिलियन ट्रीज पे ले गए, दुनिया में आपकी रिकग्निशन हुई, सबसे बड़ी चीज़ के 15 मार्च को आपका इस्लामोफोबिया का डे यूनाइटेड नेशंस ने मनाना शुरू किया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी फीट्स हैं, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, सब के आपके आर्टिकल्स आने शुरू हो गए कि पाकिस्तान तो जल्दी निकल जाएगा अपने कर्जों में से। उसकी वजह से फिर जो आपकी जो मुखालिफ लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान उठे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो एक अमीर मुल्क है, ज़रात आपके पास है, पानी आपके पास है, आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, आपके पास कॉपर है, आपके पास कोल है, थार कोल इतना बड़ा रिजर्व है, सब कुछ होते हुए और अवाम का इतना बड़ा रिसोर्स है हमारे पास, तो पाकिस्तान तो एक अमीर मुल्क है। आपका 150 किलोमीटर का आपका कोस्ट है जिसके ऊपर आप कितने शहर आबाद कर सकते हैं, और इस रीजन को आप बहुत इसके इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं और इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन आपको मुहिब्बे वतन लोग चाहिए जो लोग पाकिस्तान को पहले रखें अपने जाती मफाद से, यानी कि मैं सारे पैसे लेके तो लंदन में जायदाद खरीद लूँ। आजकल तो हमारा यही बेहतरीन नस्बुलैन है, जो लोग हुकूमत में आते हैं कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं करती, एक सोच है ना, इशारा रहा कौन सा, इन्होंने ठीक कह दिया। देखो ना, 350 अरब लेकर मुनसलाई अभी बाहर चले गए 6 माह की कमाई में, पंजाब में 300 अरब जी, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है, हैं इस, हाँ जी, ये कब आपको कहा? मुझे नहीं कहा, ये इमरान खान साहब ने जब सबलियां खत्म की
करप्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा, किसको कहा? तुझे घबराओ ना, मेरा नाम ला दियो। इमरान खान ने नहीं कहा था ये सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का? उन्होंने अभी भी पंजाब के साथ बहुत बड़ी डकैती की है। इमरान खान को नहीं कहा था, बाकी मेरी बहन ने कहा था, मेरी बहन ने कहा कोविड आया तो ये किया। जब पाकिस्तान में डेंगू आया था ना, उस वक्त तमाम हॉस्पिटल फ्री कर दिए थे और उसका टेस्ट था 100 रुपए का डेंगू का। अच्छा, हर वार्ड फ्री थी। आप लोग अपने क्रेडिट के तौर पे बीमारियां गिनवाना बंद करें अपनी अपनी। मेरे पास कोविड आया, मेरे पास डेंगू आया, उसके अलावा बात करें। मगर मुझे जो आपका ये वाली बात बड़ी दिल को लगी, 350 अरब वाली, ये आपने मुझे बताना है क्लिप निकाल के कहां पे खान साहब कह रहे हैं? ये अभी साबित हो रहा है, अभी देखेंगे चंद दिनों में ये साबित हो रहा है कि ये 350 अरब है। ऐसे भी ज्यादा है, 350 अरब, 350 अरब, 350 अरब बाहर कैसे गए? मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए होंगे। हेलो जी मोनस लाई साहब। हाँ जी, 350 अरब ले गए जी, 50 रुपए का बैलेंस ही करा दे। मगर नहीं, वैसे ये 350 अरब कैसे लेके जाते हैं मेरा साहब? ये कैसे पूछे कैसे लेकर जाते हैं? नहीं, मगर कोई तो तरीका बताएं, क्योंकि हम तो ऐसे लेकर नहीं गए। उन्होंने फ्लैट की बात की है, नहीं ऐसी ऐसी गैस तरीके ना जड़े, ये फ्लैट की बात कर रहे हैं ना, ऐसे पैसे नहीं गए। क्या बताएं, आप कैसे लेके गए थे? जो उन्होंने फ्लैट लिए थे बिल्कुल लीगल तरीके ना लेके गए थे। इस वाले से लिए थे बिल्कुल, ये जिस तरह 350 अरब गए हैं ऐसे नहीं लेके गए, नहीं ऐसे तरीका बिल्कुल। वो उनकी अपनी कमाई थी, ये डकैती के नहीं है, अल्लाह के फजल से। देखें, शबाशी साहब ने जेल काटी, मियां नवाशी साहब ने काट, नैब ने कैसे कैसे जुल्म किए। हाँ, एक पाई भी मुझे साबित करा नहीं, मैं हुई नहीं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू टोटली, बिल्कुल। जो मियां साहब ने और जो बाकी लोगों ने जेल काटी, मुझे उसको छोड़े, मुझे कंसर्न अभी बिल, मैं हुई नहीं, वो तो गिवन फैक्ट है ना, हम सब ने देखा हुआ जो जेल में थे मियां साहब और बाकी जो भी था। मगर मुझे ये प्लीज, ये फाइनेंशियल वाला, क्योंकि ये तो 350 अरब तो ये लोग जाने नहीं दे रहे स्टेट बैंक से। दोस्ती कर ले, आपको बता देंगे ये कैसे होगी। वो पीटीआई में चले गए, मैं तो बता नहीं सकता। मिर्ज़ा साहब, कोई रास्ता तो बताए ना, मुझे पैसे ले जाने का रास्ता बता रहे हैं ना, मुझे आप मोनस अली से दोस्ती का रास्ता बता रहे हैं, मुझे कुछ तो बता के जाएं। नहीं, मैं तो नून लीग से दोस्ती करा सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, नून लीग में कौन सा है जो 350 अरब वाले पार्टी हो? अल्लाह के फजल से नून लीग ने करप्शन नहीं की। जानने वाली है उसका ससुर नून लीग में है भाई।